Thing. और हम लोग जो है वो ये स्क्रीन शेयर करता हूं हम लोगों का जो है वो ये चैप्टर इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मिलर हारले सो हम साथ-साथ ये जो चैप्टर है इसको भी कंसल्ट करेंगे और जो प्रोटिस्टा है उसकी जो रियलिटी है उसके हवाले से भी थोड़ा सा देखेंगे कि हाउ मच दिस प्रोटिस्टा जो दिस किंगडम इज ऑथेंटिक नाउ सबसे पहले तो अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं देन यू वुड सी दैट इन दिस डायग्राम यू सपोज फॉर एग्जाम्पल आप इसमें मुझे जवाब दीजिए कि इनमें से कौन कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है और कौन सा यूकैरियोटिक सेल हो सकता है फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि हम इस वक्त अब हम इस वक्त एंटर हो रहे हैं डोमेन यूकेरिया में

जी वेल well डन अच्छा जवाब है और कोई सारे जवाब पे कायम है अच्छा बेटा इस पूरे सात के साथ ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडिंग दिस इन तमाम में सिर्फ ये प्रोकैरियोट है बाकी सब यूकैरियोट्स हैं। अब ये बाकी तमाम यूकैरियोट्स हैं इसका मतलब है देर मस्ट बी ह्यूज डायवर्सिटी अब यहां पे सबसे पहले तो बेटा ये तय कर लीजिए कि ये जो आपके पास छह सेल्स हैं इसके अलावा ये सिर्फ प्रो है और बाकी यू है देर मस्ट बी ह्यूज डाइवर्सिटी इन साइज ऑफ डोमेन यू कैरिया डोमेन यू कैरिया के साइज की बहुत ज्यादा डायवर्सिटी मौजूद है तो एक जमाना था कि हम कहा करते थे किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ बड़े पर्टिकुलर किस्म के यू कैरियॉर्स आया करते थे कोई मुझे बताएगा कि किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से यू कैरियॉर्स आया करते थे वोड एनी मई मी जो जो वगैरह सारे ये More particularly, कोई बड़ी सी बात हो कौन से होंगे जिनको जी बोलिए 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 एनी और फिट नहीं होते थे ना उनको उठा के फिर जी, answer कम, जी बिल्कुल ये बेसिकली इनको कहा जाता था एक्सक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ना यूकैरियोट में फिट होते ना ये किंगडम प्लांटी में फिट होते हैं ना ये किंगडम एनिमेलिया में फिट होते हैं ना ये किंगडम फंजाई में फिट होते हैं सो लेट्स पुट दिस ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स इन टू द किंगडम प्रोटिस्टा जिसकी वजह से ये एक ग्रुप कौन सा बन गया ये वो ग्रुप बन गया जिसको आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या कहना शुरू हो गए कि ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है इसके एंसेस्टर्स को मेंशन नहीं किया जाता इसके डिसेंडेंट्स को सिर्फ इन ऑर्गेनिजम्स को हम मेंशन करते हुए इनको एक है वो पर्टिकुलर किस्म के उसमें रख दिया करते थे पर्टिकुलर किस्म के रिलेशन में रख दिया करते थे मैं यहाँ पर थोड़ा सा जरूरी समझूंगा बेशक जो है वो हमें थोड़ी सी वो हो जाए लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जरूरी समझूंगा कि मैं आप लोगों को एक पुरानी याद भी दिलाऊं और साथ जो है वो आप लोगों को जो है वो एक चीज़ का एहसास भी दिलाऊं कि बेसिकली हम कितनी डिफरेंट चीज़ें इस वक्त पढ़ने वाले हैं देखिए ये आप में से बहुतों को याद होगी खास तौर पर जो पंजाब बोर्ड के यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको तो पर्टिकुलरली लाजमन याद होगी ये किसी ज़माने में आपने बुक देखी थी दिस इज़ एफ बायोलॉजी इसमें अगर आप किंगडम प्रोटिस्टा का देखते हैं ना किंगडम प्रोटिस्टा का जो चैप्टर है इसमें जब आप देखते हैं तो आपको पता ये लगता है कि इस ग्रुप इस एक पूरे किंगडम के दो मेन फीचर्स थे जिसकी बुनियाद पे आपने इस किंगडम्स को इस किंगडम को बहुत यूनिक करार दिया था नंबर वन इसमें मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मैंने मेजोरिटी लिखा है ऑल नहीं लिखा मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेडर ऑर्गेनिज्म आर ये बात सात कंडीशन लगी हुई है कि यूकैरियोट्स हैं अब हम प्रोकैरियोट्स की बात नहीं कर रहे हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं सो किंगडम प्रोटिस्टा में मुझे आज से ऑनवर्ड मैं जितने ऑर्गेनिजम्स की बात करूंगा सिवाय अगर मेरे मुंह से बैक्टीरिया या आर्किया निकल जाए आज से ऑनवर्ड मैं जितने ऑर्गेनिजम्स की अब बात करने वाला हूं ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू डोमेन यू दैट्स ऑल ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं क्यों क्योंकि अब यहां पर ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं तो अब आप में से अगर कोई धोखा खाता है कि यूनिसेरोलर बैक्टीरिया ही होते हैं तो शी और ही इज एक्सट्रीमली रॉन्ग क्योंकि बहुत से यूकैरियोट्स हैं बहुत ज्यादा यूकैरियोट्स हैं जो कि यूनिसेरोलर होते हैं ठीक है तो पहली बात यूनिसेरुलर यूकैरियोट्स ना किंगडम फंजाई में फिट आ रहे थे ना किंगडम एनिमेलिया में फिट आ रहे थे ना ही किंगडम प्लांटी में फिट आ रहे थे ऐसी सूरत में आपको इनको बाकी तमाम किंगडम से सेपरेट करना पड़ता है लिहाजा आप क्या कर लेते हैं आप यूनिसोलर ऑर्गेनिजम्स को अलहदा कर देते हैं नंबर टू किंगडम प्रोटिस्टा जो किसी जमाने में अभी मैंने लिखा था मैं दोबारा लिख रहा हूं ये ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कंसिडर किया जाता है अगर आप फाइलोजनी को कंसिडर करें देखिए ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं इस बुक के अंदर ये क्लासिफिकेशन आम तौर पर लीनियन क्लासिफिकेशन है यहां से ऑनवर्ड जो भी आप देखेंगे इट इज लीनियन क्लासिफिकेशन इस बुक ये ये चैप्टर है वैसे बहुत मजे का खासतौर पर जब आप एक दफा ये चैप्टर पढ़ लेंगे ना कैम्बल से

ये एनिमल लाइक है जोआ जो है यहां पे वो जाहिर सी बात है हम जुओ या जोआ इन दोनों को एनिमल की तरफ रेफर करते हैं प्रोटोजोआ फिर दूसरे हैं एल एनिमल प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और तीसरे हैं माइसीट्स ये तीन तरह के ग्रुप्स हैं इसमें जो कि तौर पर आपको यहां नजर आते हैं लेकिन अब आप गौर कीजिएगा जो असल में प्रॉब्लम आ रहा है ये जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें जो प्रॉब्लम आया करता है हम आमतौर पर क्या करते हैं हम आमतौर पर डोमेन लिखते हैं बेटा मेरी बातें बहुत गौर से सुनिएगा मैं बहुत ही बेसिक पे इस वक्त आया हूँ बहुत बेसिक पे मैंने अभी एडवांस कुछ भी शुरू नहीं किया ठीक है हम डोमेन यू कैरिया किंगडम लिखते हैं हम प्रोटिस्टा और किंगडम प्रोटिस्टा लिख देने के बाद उसके बाद उसकी जो हम गुफ्तु शुरू करते हैं वो क्या होती है प्रोटोजोआ लो जी उसके बाद हम शुरू करते हैं एल जी लो जी उसके बाद हम शुरू करते हैं माइसीट्स पंजाय लाइक ये तीन हम शुरू कर देते अब प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि ये जो लीनियन क्लासिफिकेशन है इट इज एक्सट्रीमली डिसाइसिव ये बहुत ज्यादा धोखा देती है खास तौर पर अगर आप इसको किस में किस परस्पेक्टिव में देखें अगर आप इसको फाइलोजेनेटिक परस्पेक्टिव में देखते हैं तो ये एक्सट्रीमली डिसाइसिव है दोबारा सुनिए मेरी बात अगर आप यही लीनियन क्लासिफिकेशन जो कि मैंने अभी ऊपर लिखी है इस लीनियन क्लासिफिकेशन को फाइलोजेनेटिक पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ये एक्सट्रीमली डिसाइसिव है क्यों बेटा आप यकीन करेंगे कि अगर आप एंसेस्ट्रल पर्सपेक्टिव में देखें यानी पर्सपेक्टिव में देखें तो पर्सपेक्टिव के मुताबिक बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो इन दोनों में मिक्स हो रहे हैं बहुत से ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो इन दोनों में मिक्स हो रहे हैं और बहुत से ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो इन दोनों में मिक्स हो रहे हैं यानी बेसिकली आपको हो सकता है मैं भी आपको एक इसकी आसान मिसाल देता हूं प्रोटोजोआ में हो सकता है कि एक -like एनिमल लाइक प्रोटिस्टो एनिमल लाइक एक प्लांट लाइक -like हो एक प्लांट लाइक हो एक फंजाई लाइक हो एक एक ले लें तीनों में से फायलॉजनी ये कहती है कि इन तीनों का एंसेस्टर सेम है अब आप गौर कीजिए लीनियन क्लासिफिकेशन कहती है तीनों अलग है और वो भी गलत नहीं है बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा मैं डिसाइसिव तो इसको कह रहा हूं लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा क्यों नहीं गलत कह रहा क्योंकि तो बेटा आपने लीनियन क्लासिफिकेशन में क्या किया हुआ है प्रोटोजोआ एल जी और फनजाई कोई मुझे बताएगा कि लीनियन क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ को किस बेस पे बाकियों से अलग किया गया? एलजी को किस बेस पे और माइसीट्स को किस बेस पे किया गया? Could somebody tell me? लिनियन सिस्टम के मुताबिक। सर, uh, I think सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वो बाद की बात है सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ करता है आमतौर पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला मोड अगरा। तो अगरा। तो मोड मोड ऑफ 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 न्यूट्रिशन 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 शाबाश की बेस किंगडम सॉरी ये जितने भी किंगडम्स है ना इनमें आमतौर पर जब आप वो एंशियंट फाइव किंगडम सिस्टम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं उनमें दो बेसिस होती है पहली डोमेन यानी यू जो आपका एंशियंट क्लासिफिकेशन सिस्टम था फाइव किंगडम का उसमें सिर्फ दो डोमेन्स थी कौन सी प्रोकेरिया ठीक है आप उसको थोड़ा कि तो हमेशा हमेशा फाइव किंगडम सिस्टम में जो सबसे पहली चीज कंसिडर होगी वो डोमेन होगी प्रोकेरिया यूकेरिया और आर्किया उसके बाद जो दूसरी चीज कंसिडर की जाती है वो हमेशा न्यूट्रिशन होती है न्यूट्रिशन के अलावा और कोई चीज नहीं होती न्यूट्रिशन इज द की थिंग सो थिंगन सिस्टम ने ये जो तीन ग्रुप बनाए हैं बेटा ये तीनों ग्रुप एक्चुअली बेस करते हैं न्यूट्रिशन पे तो इसलिए ये तीनों इतने भी गलत नहीं हैं ये तीनों ग्रुप इतने भी गलत नहीं हैं डिसाइसिव जरूर है क्योंकि ये पोलीफाइलेटिक हो जाते हैं अब इनमें से कोई एक ग्रुप भी ऐसा नहीं है जैसे आप यहां पर इस पर गौर करें ये भी पोलिफाइलेटिक बनता है ये भी पोलीफाइलेटिक बनता है ये भी पोलीफाइलेटिक बनता है इन तीनों में से एक ग्रुप भी ऐसा नहीं है जो मोनोफाइलेटिक हो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन और कैम्बल में ऑल अलोंग कैम्बल में और मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले मिलर हार्ले आप अगर गौर करें ना मिलर हारले पे तो मिलर हारले में भी जो अभी हुई भी है ना डिवीजन वो भी उसके मुताबिक हुई हुई है आ, ये देखिएगा गौर कीजिएगा ये है प्रोटेस्टा में जो आ, ये ये जो आ, मिलर हारले है लेटेस्ट एडिशन इसके अंदर भी जो इस वक्त डिवीजन मौजूद है वो फाइलोजेनेटिक है वो लीनियन नहीं है बहुत से लोग इस बात की शिकवा करते हैं कि लार्वा बेस्ड बेटा वो लार्वा बेस से ज्यादा वो फाइलोजेनेटिक बेस्ड है कि आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो चेंज हो जाती है अगर आप फोर्थ एडिशन देखते हैं ना मिलर का तो मिलर के फोर्थ एडिशन में ज्यादातर जो क्लासिफिकेशन है वो लीनियन है यहां पर जो क्लासिफिकेशन आपको मिलेगी वो आपको फाइलोजेनेटिक मिलेगी मैं आज पढ़ रहा था इन दोनों को मैंने जब कंपेयर किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि बेसिकली फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन फॉलो हुई हुई है कैंपल में भी और मिलर में भी इस लिहाज से हमें दोनों को कंपेयर करने में फायदा होना है तो हम इन दोनों को साथ लेकर चलेंगे हमें थोड़ी सी क्या आएगी कि मिलर में क्योंकि सिर्फ एनिमल लाइक -like प्रोड्यूस डिस्कस होते हैं यहां सारे होंगे खैर अब आइए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को लीनियन सिस्टम के मुताबिक थोड़ा सा गलत तरीके से क्लासिफाई किया गया था या यू कह लीजिए डिसाइसिव था ठीक है तो उसके बाद हमें ये पता लगता है कि ये ग्रुप जो है इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिफरेंट है यहां पर थोड़ा सा आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो एक ग्रुप है इसका ये वो ग्रुप है विच वॉज बिगिनर ऑफ बिगिनर ऑफ यू इसमें तो खैर कोई शक नहीं है इस ग्रुप के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके बारे में ये कंसिडर किया जाता है कि बेसिकली ये वो ग्रुप है जो यू का बिगिनर है और यू की बिगिनिंग कहां से स्टार्ट होती है यू की बिगिनिंग स्टार्ट होती है एंडोसिम्बायोसिस से आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पहले माइटोकॉन्याफ किया जाता है और जब माइटोकॉन्ड्रिया एंगल्फ कर लिया गया दो टाइम लीव करके भी देख लिया बेटा आप लोगों को हो रही है। जी सर सानिया बेटे आपने दो टाइम लीव करके भी देख लिया इसका ना वैसे एक तरीका होता है आप सबको बताता हूँ अगर किसी के पास नेट का इशू हो ना तो जाके अपने मॉडेम की एक दफा तार उतार दोबारा लगाया करें वो रिस्टार्ट हो जाता है तो नेट के सिग्नल रिस्टोर हो जाते हैं ठीक है थीके? तो मैं आजकल ऐसा ही कर रहा हूँ इससे पहले पहले मेरी लेवल क्लास होती है तो उससे पहले ही कर तो तो ट्राई करके देख ले अच्छा अब यहाँ पर जो है वो ये वो एंडोसिम्बायोसिस है जो एवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं जिसके मुताबिक जो सबसे पहले यूकैरियोट्स बने थे देवर एक्चुअलीज एंगल्फ एन एरो इन्होंने एरोबिक बैक्टीरियम जो है वो इंगल्फ किया था और एरोबिक बैक्टीरियम को इंगल्फ कर लेने के बाद इन्होंने एरोबिक रेस्पायरेशन शुरू कर दी थी यानी इन्होंने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी और ऑक्सीजन को ये जो है वो हासिल करके उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन दो सिंपल कंपाउंड में चेंज करते थे और निकली हुई एनर्जी किस में एड कर लेते थे ए में एड कर लेते थे सो so, अब यहां पर आप गौर कीजिए कि ये वो ग्रुप है और इस ग्रुप को अगर आप यहाँ पर एक चीज और भी आपकी बुक में ये जो की बुक है उसके बारे में इन्होंने बड़े स्ट्रेट एक किया एक किया और वो क्या है? आपको एक क्लासिफिकेशन दी जाएगी इस पूरे ये जो आपका है ना चैप्टर है इसमें आपको एक क्लासिफिकेशन दी जाएगी जो कि ये बनी हुई है ये क्लासिफिकेशन बनी हुई है आप अंदाजा कर लीजिए किंगडम प्रोटिस्टा का मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था किंगडम प्रोटिस्टा ऑब्सोलीट हो गया उसकी रीजन में आपको बताता हूँ किंगडम प्रोटिस्टा ऑब्सोलीट क्यों हुआ है और साइंटिस्ट आजकल कर क्या रहे हैं लीनियन सिस्टम को किस तरह से एक तरह भुगतने वाला मामला हुआ क्या है हुआ यह है कि अब वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बना तो रहे हैं लेकिन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा में वो अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि किस जगह पर वो कंफर्म एंसेस्टर्स रखें यानी फॉर एग्जाम्पल यू कह लीजिए कि ये सारी जो आपको इस वक्त क्लासिफिकेशन नजर आ रही है ये आफ्टर सारी लाइवलीहुड और, और सारा कुछ स्टडी करने के बाद जो आपको यहाँ पर ट्री शो हो रहा है ये वो ट्री है ठीक है इस ट्री में आप देखिए आपको चार मेजर ग्रुप नजर आएंगे एक आपको नजर आएगा एसके एक आपको नजर आएगा एस ये है आ, इन तीन की बेस पे और ठीक है स, ए, आर। दूसरा ग्रुप ये है तीसरा ग्रुप है ठीक है प्लास्टिडा और चौथा ग्रुप है यूनिकॉन्टा ये चार ग्रुप्स हैं. अच्छा आप गौर कीजिए ये जो ग्रुप्स हैं इन चारों ग्रुप्स के बारे में आपकी ये कैम्बल की बुक क्या एतराफ करती है ये कैम्बल की बुक ये, करती है कि ये तमाम के तमाम ग्रुप आपको मोनोफाइलेटिक दिखाए तो गए हैं जैसे ये ग्रुप भी मोनोफाइलेटिक दिखाया गया आर्सिड आप गौर करें तो यहाँ पे मोनोफाइलेटिक है एक्सकेवेटा है ये यहां से मोनोफाइलेटिक है और यूनिकॉन्टा यहाँ से मोनोफाइलेटिक ठीक है लेकिन वो क्लियरली ये बात करती है कि ये इनमें से कुछ हमारे गेस हैं हमें इनके एक्चुअल एंसेस्टर्स नहीं मिले लेकिन हमने मैक्सिमम पार्सिमनी और मैक्सिमम लाइवलीहुड की बेस के ऊपर हमने क्या किया है इनको इकट्ठे एक, एक ग्रुप में रख दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जो यूनिकॉन्टा में ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली जीनोमिक एनालिसिस की बेस के ऊपर ये जो हैं वो है वो मौजूद हैं इधर इस ग्रुप में ये क्लोजेस्ट हैं लेकिन इनका क्लोजेस्ट होना यहां पर आपके पास कंफर्मेशन नहीं है कि आया

On the basis of genomic analysis, it is assumed that these groups are uh, uh, monophyletic. Okay, that these groups are monophyletic. It is assumed. सो so, अब यहां पर जो है ये अब आप लोगों के जहनों में बात आ जानी चाहिए कि यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन है और ये किंगडम है ये क्यों ऑब्सोलीट हुआ इसको क्यों रिमूव किया गया और इसको जो है वो रिमूव करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ इसको रिमूव इसलिए किया गया क्योंकि आप फायलॉजनी ड्रॉ नहीं कर सकते एक अजीब हैरत की बात यह है कि किंगडम एनिमेलिया में फायलॉजनी फिर भी ड्रॉ हो जाती है हो जाती है कोई ऐसी वो बात नहीं है उसमें फायलॉजनी ड्रॉ हो जाती है आप आखिरकार उनका कॉमन एंसेस्टर तलाश कर लेते है। है। हैं प्लांट्स में भीट नहीं किया गया किंगडम मोनेरा को इसलिए ऑब्सोलेट किया गया कि वो बैक वक्त स्पॉन्टेनियसली वो दो डोमेन्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हो था एक आर्किया और एक बैक्टीरिया इस वजह से उन दोनों को उनको, उसको ऑब्सोलेट कर दिया गया प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम था कि जिसकी फायलॉजनी ड्रॉ नहीं हो सक रही अभी तक और यही मैंने आपको इसीलिए कहा है कि ये जो फायलॉजनी है ये यहां पर अभी भी कंफर्म नहीं है मैं आपको वो सेंटेंस भी दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर पहले खासतौर ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये तो बिल्कुल ही कंफर्म नहीं ये है देखिए डॉटेड लाइन इंडिकेट एवोल्यूशन रिलेशनशिप दैट आर अनसर्टन अब आपको एक मजे की बात बताता हूं जो आपका इलेवेंथ एडिशन है ना एडिशन उस 11th एडिशन के अंदर 11th edition के अंदर ये लाइन भी डॉटेड है ये भी dotted है, ये 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 लाइन लाइन भी भी है, है। है, में जो dotted lines है, वो इन्होंने सिर्फ एक कर दिया वाली। But अब हम ये नहीं कह सकते कि इतने थोड़े से टाइम में ये वाकई कंफर्म हो गए या नहीं लेकिन एक बात तय है कि सेंटेंस है वो मैं आपको यहां पर शो करवा देता हूं ताकि हमें जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिले fastids or uske baad yahan par likha ho ji ye dekhiye ye dekhiye the ongoing changes in our understanding of the phylogeny of protists वो कहता है कि वो जो तमाम हाइपोथिस हमने जनरेट किए थे किंगडम प्रोटेस्टा के वो कैंसिल हो गए लिहाजा एक तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है दूसरा इंस्ट्रक्टर को प्रॉब्लम आती है ऐसी सूरत में क्या होता है आ...

कि ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दो ग्रुप्स हमें मिले हैं एक हेप्टोफाइट है और एक है। डायग्राम नंबर में देखते हैं हम पॉइंट है और यहाँ पर सिक्स होगी सेवन आ गई पॉइंट फाइव ये जो दो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के बारे में वो कहता है कि न्यूली डिस्कवर्ड है और लेकिन हमारी की हम अभी तक इन दो को, एक, एक सुपर ग्रुप में नहीं रख सके क्यों क्योंकि इन दोनों के लिए अलग ग्रुप बनाना पड़ रहा है ये देखिए एग्जांपल्स ऑफ सच अनिजोल्व ग्रुप्स अनरिजोल्व है unresolved groups, unresolved हैं बिल्कुल जिसकी वजह से एज वेल एज दिगो फोर अब आप आपको एक बात पता है कि आपकी जो मिलर हार्ले है वो एक ग्रुप बनाती है सार्कोमेस्टिकोफोरा ठीक है मिलर हार्ले एक ग्रुप बनाती है सार्कोमेस्टिकोफोरा सार्कोमेस्टिकोफोरा जो है ये युगलिन के ग्रुप है ठीक है और गालबन दूसरा है जुओोमेस्टिकोफोरा है या इस तरह का को कोई नाम है ये जो दो ग्रुप्स आपके सामने हैं इनके साथ साथ अब ये एक तीसरा ग्रुप आ गया है अब ये 2018 में ग्रुप आया है और अभी तक आप ये नहीं बता सके कि इसको आप किस ग्रुप में रखें या किसके क्लोज रखें देखिए असल बात है कि अगर आपको यहां पर एक्स के बेटा और एस ए आर क्लोज नजर आ रहा है तो इसका क्या मतलब है ये दोनों क्या है ये सिस्टर ग्रुप्स हैं मैंने यही बताया हुआ है ना कि फायलोजनी में जो दो ग्रुप्स ये रूल होता है कि जो दो ग्रुप्स क्लोजेस्ट प्लेस्ड हों ये वो दोनों ग्रुप जो है वो सिस्टर ग्रुप्स होते हैं फिर इसी तरीके से ये जो है खास तौर पर इनमें आगे इनका ये ये क्लोजेस्ट ग्रुप्स एक तरह से जो है वो बनते हैं लेकिन अभी तक आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो आपके पास क्रिप्टोफाइट्स आए हैं हेप्टोफाइट्स आए हैं और हैमीमेस्टिगोफोर्स हैं ये आप किधर रखें किधर प्लेस करें किनके क्लोज प्लेस करें लिहाजा इस बात को अपने ज़ेहनों से निकाल दीजिए

एडिशन में नहीं है बारहवें एडिशन में है इसका मतलब यह है कि ये रिसेंटली ग्रुप मिला है और इसकी मुस्तकिल की एक ये जो डिस्कवरी है इसने भी परेशान किया हुआ है जिसकी वजह से यहां पर वो वाजहे तौर पर कहता है कि व्हेन यू रीड दिस चैप्टर बेटा इस बात पे गौर कीजिएगा इट मे बी हेल्पफुल टू फोकस लेस ऑन स्पेसिफिक नेम्स ऑफ ग्रुप्स ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारा प्रॉब्लम यह हमने ग्रुप्स को रटा लगाना होता है पी की तैयारी कर लिए एफ की तैयारी सॉरी एफ की तैयारी के लिए सी की तैयारी के लिए हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने इन ग्रुप्स को रट्टा लगाना होता है बट एक्चुअली अगर आप देखें तो ये ग्रुप्स वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि इन ग्रुप्स में आपने ग्रुप के नेम के बजाय किस बात पे गौर करना है मोर ऑन वाई दर्गेजम्स आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ ऑन गोइंग रिसर्च इज एल्यूसीडेटिंग रिलेशनशिप्स यानी आपने गौर करना है फायलॉजनी पे जनली पे करें ना कि उनके नेम्स पर करें ना कि उनके जो है वो आ, ये करें कि लीन क्लासिफिकेशन उनके बारे में क्या कहती है अब एक और मज़े की बात आपको बताता हूँ इसी ग्राफ पे अगर आप गौर करते हैं तो डिप्लोमोनाड्स पैराबिस यूग्लिनोजोन्स इसमें ये तीनों जो हैं ये आपके पुराने सिस्टम के मुताबिक ये प्रोटोजोन में आते हैं अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुने डायटोम ब्राउन एलजी, डायनोफ्लेजिलेट ये किस ग्रुप में आते हैं ये जो तीन मैंने यहां पर बनाए हैं ये तीनों ये तीनों आते हैं आपके पुराने क्लासिफिकेशन के मुताबिक एलजी में वो माइसीट्स ये आपके आते हैं किस ग्रुप में माइसीड्स में फंजाई लाइक ये मैं लीनिंग क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं तो यानी पुरानी आपका जो पुराना कॉन्सेप्ट है उसको भी थोड़ा सा रिकॉल करना है ना कि वो जो आपने पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है एनिमल लाइक प्रोटिस प्लांट लाइक लाइफिस फंजाई लाइक प्रोटिस उसका मैं आपको बता रहा हूं कि वो कितना डिसीविंग है कि आप गौर कीजिए कि ये जो आर एस ए आर है इस एस ए आर में ये तीन जो यहां पर मौजूद है इन तीनों का ताल्लुक एल जी से है डायटोम ब्राउन एल जी और डायनोफ्लाजिलिट्स वो माइसीट का ताल्लुक माइसीट से है इसके बाद आइए एक और रंग चेंज करते हैं एपी सिलियेट, फोरम्स और सर्कोजोम ये सारे किस्में आए हैं ये सारे प्रोटोजोआ में हैं। अब अगर आप लीनियन पढ़ रहे होते गौर करें अगर आप लीनियन पढ़ रहे होते तो आप इन पांच ग्रुप को और इन तीन ग्रुप्स को इकट्ठा पढ़ रहे होते लीनियन सिस्टम इनको इकट्ठा कर देता है ये वही बात है जो अभी उन्होंने कही है कि ग्रुप्स के नेम्स पर मत गौर करें। पर गौर करें, करें अच्छा, फाइलोजेनेटिक पे ये 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 वो बात है। है अच्छा अब आइए नीचे वाले ग्रुप ग्रुप मोनोफाइलेटिक क्योंकि इन सब का प्लांट जो है वो अब इस स्लाइम मोल्ड। लीनियन क्लासिफिकेशन के मुताबिक इसका माइसीट्स से है हालांकि ये मोनोफाइलेटिक बनते हैं ठीक है एंटेबा न्यूक्लियर न्यूक्लियराइट्स कोएनोफ्लेजिलेट्स ये प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ वंस अगेन प्रोटोजोआ आ गए ये जो मैंने क्लासिफिकेशन बनाई है अभी ऊपर इसमें अगर आप इस बात पे मेरी दोबारा गौर करें तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोटोजोआ एलजी और माइसीड तीनों ग्रुप हैं इन तीनों को भी रिजॉल्व तब, तब तक नहीं किया जा सकता जब तक आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नहीं करते

तो अब आप गौर कीजिए यहाँ पर एक दो बातें जैसे सुपर ग्रुप्स की भी हमने कंसिडर कर लिए है यहाँ पर वो बेसिकली ऑरिजिन बता रहा है वो कहता है कि ये जो ऑरिजिन है इनका वो एंडोसिम्बायोसिस के जरिए हुआ और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात पता है मैं इस बात को ज्यादा डिटेल में नहीं रिपीट करूंगा कि जो एंडोसिम्बायोसिस है ये क्या चीज है एंडोसिम्बायोसिस ऑब्वियसली वो चीज़ है कि जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया या एक ऑर्गेनिज्म कोई एक ऑर्गेनिज्म था जिसने एंगल्फ कर लिया था पहले ए, किसी एक एरोबिक बैक्टीरिया को ठीक है यहां पर जो है वो मैं बजाय इस बात पे टाइम लगाने के मैं यहीं से जो है वो आप लोगों को बता देता कि ये देखिए, लिखा हुआ है डिफाइनिंग मूवमेंट इन दरिजन ऑफ यू कैरियर अकर्ड वेन अस्ट सेल इन गर्ल्टीरियम दैट वुड लेटर बिकम found फाउंड इन ऑल the mitochondrion। कोई भी एक होस्ट था अब देखिए होस्ट के हवाले से हमने सिम्बायोसिस के हवाले से कुछ दिन पहले भी बात की थी कि सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप होता है कि जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म एक फ्री ए, दोनों ऑर्गेनिज्म में से फायदा दोनों को हो रहा होता है लेकिन दोनों में से एक फ्री लिविंग नहीं होता यह शर्त होती है दोनों में से एक फ्री लिविंग नहीं होता बल्कि कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है तो ये एंडोसिम्बायोसिस होती रहती है ह्यूमन में भी होती रहती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होती रहती है तो एंडोसिम्बायोसिस में बा अवत ऐसा भी होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे में बीमारी फैलाने गया लेकिन वहीं का होके रह गया उसी का होके रह गया ठीक है तो ऐसा भी होता है तो एंडोसिम्बायोसिस शुरू चलती आ रही है यही वो चीज थी जिनने जिसने यहाँ पर भी एंडोसिम्बायोसिस क्रिएट की और उसके बाद जो है वो क्लियर कट ये हमें पता लगता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो असल में किन में आया अब ये बड़ी गौर तलब बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया का आगाज कहाँ से हुआ या माइटोकॉन्ड्रिया आया कहाँ से ये देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम बनाना शुरू की थी ये है होस्ट सेल इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पे एक बैक्टीरिया जाता है और कौन सा बैक्टीरिया प्रोटी बैक्टीरिया हां जी प्रोटोबैक्टेरिया ग्राम नेगेटिव थे ग्राम पॉजिटिव थे ग्राम नेगेटिव शाबाश 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 बहुत

डेल्टा एप्सिलॉन ये पांच ये आप वो लेक्चर खोल कर देख लीजिए बेशक पांच मैंने आपको बताई थी की तो उनमें से कौन सा था According to edition, it was alpha जो के, के तौर पर एक ऑर्गेनिज्म के तो, अंदर जाता है और फिर वही का होकर रह जाता है ये उन्हीं उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर एंडोसिम्बायोसिस करता है ठीक है तो ये जो है वो पहला फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बेसिकली जो फर्स्ट इवेंट हुआ था वो यही हुआ था कि कोई एक बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रियन के तौर पर आ गया था दूसरा इवेंट जो हुआ वो कौन सा हुआ वो ये था कि माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो उसके बाद अगला काम ये हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे ये बात मैंने आप लोगों को एक दफा पहले भी कही थी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो होस्ट सेल है ये बात पहले भी हुई हुई है होस्ट सेल है वो होस्ट सेल पहले एंगल्फ करता है माइटोकॉन्ड्रिया उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एंगल्फ कर लेने के बाद जब वो ऑर्गेनिज्म जो है वो एरोबिक हो जाता है तो उसके बाद अब यहां से दो डिवीजन बनती हैं जिनमें से एक होते हैं जो हेटरोट्रॉफ रहते हैं जो हेटरोट्रॉफ रहते हैं यानी इनके अंदर नो एंडसिस ऑफ साइनोबैक्टीरिया नो एंडोसिम्बायोसिस ऑफ साइनोबैक्टीरिया इनमें साइनोबैक्टीरिया की एंडोसिम्बायोसिस नज़र नहीं आती हमें लेकिन जब आप दूसरी लिनियज देखते हैं यानी एक दफ़ा एंडोसिम्बायोसिस हो गई इस जगह पर उसके बाद उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने किसको अपने पास एंगल्फ कर लिया जिन्होंने कोई एक साइनोबैक्टीरियम अपने अंदर एंगल्फ किया और साइनोबैक्टीरियम अपने अंदर एंगल्फ कर लेने के बाद वो क्या बन गए वो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया और उनके अंदर ये भी आ गया क्लोरोप्लास्ट भी आ गया ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया क्लोरोप्लास्ट भी आ गया और साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है ग्राम पॉजिटिव है इनके टाइम नेगेटिव जी बहुत अच्छा बड़ा बड़ी खुशी हुई बात सुन के ग्राम नेगेटिव हैं ग्राम पॉजिटिव में आपको वो चंद नाम जो है वो याद होने चाहिए एक्टिनोमाइसिट्स हैं ठीक है इसी तरीके से आपके जो है वो आ,

जी जी बिल्कुल बिल्कुल ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल थी उसमें जो सबसे यूनिक फीचर है वो ये है कि इसकी बज़ाहिर दो सेल मेंबरेन्स हैं बजाहिर कह रहा हूं पैप्टाइडोग्लाइके से नीचे और पैप्टाइडोग्लाइके से ऊपर दो सेल मेम्ब्रेन्स है और अगर आप क्लोरोप्लास्ट का मुजना करते हैं क्लोरोप्लास्ट को कंपेयर करते हैं कि क्लो, तो क्लोरोप्लास्ट में भी ऐसा ही है इफ यू वॉन्ट द प्रूव जस्ट हैव अ लुक हेयर रिसर्चर्स रिसेंटली रिपोर्टेड दैट डिस्कवरी सॉरी

Plastids in red algae and green algae are surrounded by two membranes. Transport proteins in these membranes homologous to proteins in the inner and outer membranes of cyanobacteria, providing further support to hypothesis that plastids originated from cyanobacterial endosymbiont. A very clear-cut statement. I will explain it to you. He says that when we एनालिसिस करते हैं क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन का इस बात पे आप गौर कीजिए डायग्राम थोड़ा डिटेल में बनने लगी है अगर आप यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एक ड्रॉ करते हैं और क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ करने के बाद उसका एक सेक्शन जो है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता ये लगता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी जो मेम्ब्रेन है एक तो उसकी बाहर की मेम्ब्रेन इट इज जस्ट लाइक द मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ठीक है नंबर वन नंबर टू ये है कि ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर दूसरी बात उसने क्या की है कि वही स्ट्र, सारे स्ट्रक्चर्स के साथ साथ दूसरी बात वो ये करता है कि इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मौजूद हैं दीज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांस टीपी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दीज आर जस्ट लाइक ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ साइनोबैक्टेरिया विच इज एनदर प्रूफ दैट साइनो बैक्टेरिया वॉज दर्गेजम विच वॉज यूज बाय एवोल्यूशन एज एन एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म एंड स्टार्टेड एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट्स यहां से प्लांट्स के ancestors जो हैं वो शुरू होते हैं ठीक है लेकिन अब आप एक और बात पर गौर कीजिए इन्होंने plastid की एवोल्यूशन भी बताई हुई है यहां पर हम उसको भी देखेंगे यहां पर अब आप बेसिकली क्या देख रहे हैं मैं थोड़ा सा वेट करता हूं क्योंकि मैं बहुत स्पीड पर जा रहा हूं यहां पर आप ये देखते हैं कि एक है एनसेस्टर ancestor. उन एनसेस्टर्स में होती है एंडोसिम्बायोसिस पहली पहली एंडोसिम्बायोसिस होती है और वो पहली एंडोसिम्बायोसिस उनको क्या बना देती है यूकैरियोट लेकिन वो वाली एंडोसिम्बायोसिस सिर्फ कौन सा यूकैरियोट बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया वाला उसके बाद आपको पता ये लगता है कि ये यूकैरियोट डिवाइड होते हैं एक वो जिनमें कोई प्लास्टिड ना आया साइनोबैक्टीरियम नहीं आया फोटोसिंथेसिस नहीं आई और एक वो जो ऑटोट्रॉफ हो गए किसकी वजह से साइनोबैक्टीरियम की वजह से अब बेसिकली कहा यह जाता है कि ये जो यू कैरियो है इनमें वो लीनियज लीनियज इज साइनोबैक्टीरियम उनकी एवोल्यूशन अब आप देखने लगे हैं बेसिकली यहीं से आगे स्टार्ट हो जाता है प्रोटिस्टा का गौर करें ना अगर आप ठीक है ना यूकैरियोट है ना आपने जब एक दफा प्रोकैरियोट ये प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर था आपने जब एक दफा उसको माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया तो वो क्या बन गया यूकैरियोट बन गया इसका मतलब है यहीं से किसका आगाज हो गया प्रोटिस्टा का क्योंकि जब वो एक दफा यू ये मैंने गलत लिख दिया क्योंकि जब मैंने क्योंकि जब एक दफा वो यूकैरियोट बन ही गया इसका मतलब है प्रोटिस्टा का तो स्टार्ट हो गया अब प्रोटिस्टा में से कुछ ऐसे हैं जो कि हेट्रोट्रॉफ रह गए और कुछ लीनियजिश प्रोटिस्टा की ऐसी हैं जिन्होंने साइनोबैक्टीरियम को अपने सेल में जगा दी और क्या बन गए ऑटोट्रॉफ बन गए यानी कुछ कुछ मेरी बात पर गौर करें यहाँ कुछ की बात हो रही है सब की बात नहीं हो रही ठीक है तो ये जो हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ हैं इनमें ऑटोट्रॉफ के भी कुछ लीनियजिज हैं जिन्होंने साइनोबैक्टीरियम को अपने पास जगा दी और वो कौन है ये देखिए ये क्लासिफिकेशन दी हुई है ये फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हेट्रोट्रॉफिक यू कैरी कर लेने के बाद वो क्या बन गया वो एक यू बन गया वन ऑफ दीज मेम्रेन वॉज लॉस्ट इन रेड ग्रीन एल जी एलगल डिस अब गौर कीजिए यहां से आगे क्या हुआ ये रेड एल जी है इस रेड एल जी ने ये अब एक रेड एल जी बन गया ठीक है अब हो क्या रहा है दो तरह के इससे डिसेंडेंट निकल रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट ने पहले लिया एक अदर साइनोबैक्टीरियम और ये बन गया यूकैरियोट ये यूकैरियोट बन गया जब ये यूकैरियोट बन गया तो इस यूकैरियोट से आगे मजीद दो डिविजन हुई हैं ठीक है इसको एक और अंदाज में अगर मैं आपको सादा अंदाज में बताऊं वैसे तो आप मैं बहुत को समझ आ गई होगी लेकिन अगर मैं इसको आपको सादा अंदाज में बताऊं तो यूकैरियोट इस यू यूकैरियोट ने साइनोबैक्टेरियम को किया एंगल्फ ये बन गया ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट ऑटोट्रॉफिक बनने के बाद इसमें अब मजीद डायवर्जेंस होनी है ना एवोल्यूशन तो मुस्तकिल हो रही है एवोल्यूशन तो मुस्तकिल हो रही है ठीक है इस डाइवर्जेंस ने दो मेजर ग्रुप बनाए हैं कौन कौन से एक बनाया रेड एल जी और दूसरा बनाया ग्रीन एल जी और कर रहे हैं बात के ऊपर यानी बेसिकली उट जो था ऑटोट्रॉफिक यू उसमें भी मजीद डाइवर्जेंस हुई और एक रेड एल जी हो गया एक ग्रीन एल जी हो गया ठीक है वही बात उन्होंने यहां पर बताई हुई है कि फर्दर डाइवर्जेंस डै, की वजह से एक ग्रुप रेड एल जी एक ग्रुप ग्रीन एल जी

अनदर एंडोसिम्बायोसिस हुई ये जो आगे ग्रुप बने हैं ये नहीं बन गए इनके अंदर एक और एंडोसिम्बायोसिस हमें नजर आती है और वो कौन सी है वो कुछ इस तरह है कि रेड एलजी ने फर्दर एंडोसिम्बायोसिस की ये देखिए ये एक रेड एलजी से भी बड़ा सेल है जिसने रेड एलजी को अपने पास एज एन एंडोसिम्बायोंट अपने अंदर इंगल्फ किया यानी पहले रेड एल ने बैक्टीरिया को अपने अंदर इंगल्फ किया फिर वो रेड एल खुद भी एज एन एंडोसिम्बायट एक और सेल में चली गई तो ये कौन सी होगी सेकेंड एंडोसिम्बायोसिस या सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी इसमें सबसे पहला काम यह है कि एवोल्यूशन का जो आगाज हुआ प्रोटिस्ट की उनमें जो ऑटोट्रोफिक प्रोटिस्ट थे वो पहले साइनोबैक्टीरियम को एंगल्फ कर रहे हैं ये बिल्कुल उसी तरह की एंडोसिम्बायोसिस है जैसी माइटोकॉन्ड्रिया की थी प्राइमरी एक आपने ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ करके एंडोसिम्बायोट बना दिया लेकिन उसी ऑर्गेनिज्म की जो एंडोसिम्बायोट बना गौर करें ये ऑर्गेनिज्म है जिसने बैक्टीरिया को एंगल्फ करके एंडोसिम्बायोसिस की है अब ये एक और एंडोसिम्बायोसिस कर रहा है जिसमें ये वाला ऑर्गेनिज्म या ये वाला ऑर्गेनिज्म जो एंडोसिम्बायोसिस जिसने अपने अंदर की थी अब वो एक और के अंदर जाकर एंडोसिम्बायोसिस कर रहा है यह क्या कहलाएगी सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस और उसके बाद जाकर इनके ग्रुप बनते हैं एल्वियोलेट्स हैं स्ट्रेमिनोपाइल्स हैं यूग्लेनिड्स हैं अब यहां पर अगर आप गौर करें इसी पूरे क्लासिफिकेशन को आप फर्दर अगर देखें तो ये देखिए ये देखिए रेड एल जी और ग्रीन एल जी ये वो दो ग्रुप थे ना रेड एल जी और ग्रीन एल जी और उन्हीं के बाद और प्लांट्स ठीक है तो ये एल जी और ग्रीन एल जी जो हैं ये वो दो मेजर ग्रुप्स थे जिन्होंने एक्चुअली साइनो बैक्टीरियम को यहां से पकड़ा था इन्होंने एक्चुअली साइनोबैक्टेरियम को यहां से पकड़ा था ठीक है ब्राउन एल जी इनके एंसेस्टर्स कौन है वो भी मैं अभी आपको बताता हूं लेकिन सबसे पहले आप प्राइमरी ग्रुप्स देखें प्राइमरी ग्रुप्स जब आप देखते हैं तो बेसिकली रेड एल और ग्रीन एल जी प्राइमरी बात क्लियर हो गई ये वो ग्रुप्स हैं दोनों मैं इसको जरा इरेज करता हूं अभी जो हमने एंडोसिम्बायोसिस पढ़ी है उसके मुताबिक ये वो दो ग्रुप्स हैं जिन्होंने सिर्फ कौन सी वाली एंडोसिम्बायोसिस की है प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस ये वो हैं कौन से रेड एल जी और ग्रीन एल जी इसका मतलब ये हुआ कि तमाम एल जी में तमाम एल जी में सबसे पहले ऑटोट्रॉफ बनने वाले जो एल जी थे वो रेड एल जी और ग्रीन एल जी थे जिन्होंने प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस की सवाल ये पैदा होता है कि जो अब इतने एल जी मौजूद हैं वो कहां से आए दोबारा वापस चलते हैं ये देखिए है। वो कहता है उन्होंने दोबारा एंडोसिम्बायोसिस की और सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस हुई सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस के नतीजे में स्ट्रेमिनो पाइल्स आए एल्वियोलेट्स आए यूगलेनिट्स आए और क्लोरा आर्कियोफ्स कीजिए स्ट्रेमिनो पाइल्स हैं यहां पे ये किसके नतीजे में वजूद में आ रहे हैं सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस एल्वियोलेट्स हैं ये भी किसके नतीजे में वजूद में आ रहे हैं ये देखिए लिखा हुआ है ना किसके बाद लिखा हुआ है सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस तो ये भी देख लीजिए कि आपके सामने सेकेंडरी ये ये एंडोसिम्बायोसिस की, की है जिन्होंने पहले एंडोसिम्बायोसिस की थी इन्होंने उनको एंगल्फ किया तो असल एंसेस्टर फिर कौन हुए असल कारनामा किसका हुआ जिन्होंने पहली एंडोसिम्बायोसिस कर ली थी और वो सिर्फ कौन से हैं वो रेड और ग्रीन एल हैं उसके बाद ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने बाद में उन ऑलरेडी एंडोसिम्बायोटिक किए हुए ऑर्गेनिजम्स को एंगल्फ कर लिया अब तीसरा ग्रुप बताइए तीसरा ग्रुप वहां पर कौन सा था दोबारा देख लेते हैं आ, क्लोरा अरेक्न अरेक्नियोफाइट ठीक है क्लोरा अरेक्नियोफाइट जो है ये मेरा ख्याल है ये बाहिर यहां नहीं लिखा हुआ इस ग्रुप में तो नहीं हो सकते क्योंकि ये सारे एनिमल लाइक है सारे होंगे वो इसी में वो इसमें क्यों होंगे क्योंकि ये भी एंडोसिम्बायोट ये भी से, 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 सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस है अगर आप इसको देखें यूग्लेनेड्स देख लेते हैं का है वो तो यहां सामने लिखे हुए हैं यूग्लेनेट्स 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 ये देखें यूग्लेनोज़ोम्स तो एक्सकेवेटा में भी मौजूद हैं। तो ये सारे जितने भी हैं इन सारों का असल कारनामा नहीं है बल्कि असल कारनामा इन दो ऑर्गेनिजम्स का है जिन्होंने प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस की थी यानी इसको आप यूं कह लीजिए आखिरी बात के तौर पर कह रहा हूं यानी जो प्लांट लाइक प्रोटेस्ट हैं उनका आगाज किन्होंने किया था प्लांट लाइक प्रोटेस्ट का आगाज किया ही रेड एल और ग्रीन एल ने था ये बाद में सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस के नतीजे में बनने हैं ठीक है एक मिनट रुकिएगा मैं जरा एक दो बातें और देख लो अगर यहां पे है तो बस यही है जी बेटा आप सवाल शुरू करें प्लीज तो आपके लेक्चर का कंक्लूजन तो यही है ना कि जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है उसको प्रेफर किया गया है लीनियन पे जी अपेरेंटली अपेरेंटली मुझे मिलर और कैम्बल दोनों में यही नजर आया है कि फाइलोजेनेटिक को प्रेफर किया गया है जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें भी उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा ना मुझे क्यों लग रहा है सात बज गए रिकॉर्डिंग बंद कर दूं आ, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ